हेलो फ्रेंड, फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीएस कार्ड एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। आज क्लास 12th एनसीईआरटी 5.2 का 5 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आइए इसका सलूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि यह बाई बराबर दिया हुआ है, जिसको लिख लेते हैं कि बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस में बी है बटा में कॉस सी एक्स प्लस में डी है। तो इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में इसको क्या करना था, समाकलन करना था। ये क्या है, बटा में है, साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस सी एक्स प्लस में डी है, ठीक है। तो इसको यू इंटू वी पर हम लोग ब्रेक कर देंगे। यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या था, देख लीजिए यहाँ पर, डिवाइडी यू इंटू यू बटा में वी, यू इंटू वी नहीं, यू बटा में वी। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, वी का स्क्वायर बटा में वी का स्क्वायर, अब वी का बाहर यू का डिफरेंशिएशन माइनस में यू का बाहर अभी का डिफरेंशिएशन, ये होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी पर हम लोग रख कर इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो जब वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू डी इंटू डी एक्स साइन ए एक्स प्लस में बी बटा में कॉस सी एक्स प्लस में डी। अब इसको यू इंटू वी पर ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले कॉस है तो नीचे कॉस है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कॉस सी एक्स प्लस डी को बाहर और यू, इसमें यू इसको माने हैं अभी कॉस को माने हैं, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर क्या था, माइनस फॉर्मूला पर इसको रख रहे हैं, फिर यू को बाहर, यू कौन था, साइन ए एक्स प्लस बी है, और फिर क्या करेंगे, फिर वी को डिफरेंशिएशन, तो वी यहाँ पर क्या होना है, वी कॉस सी एक्स प्लस में, कॉस सी एक्स प्लस में डी है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये कॉस सी एक्स प्लस डी है, ये तो जो का जो रह जाएगा, अब साइन को करेंगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा, कॉस 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 ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी को करेंगे तो ए हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस साइन ये जीरो का जो रह जाएगा, यानी साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, कॉस का करेंगे डिफरेंशिएशन तो साइन सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा, और सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएट करेंगे तो सी हो जाएगा। बटा में क्या था, बटा में था कॉस सी एक्स प्लस में डी का होल स्क्वायर, इस यहाँ पर माइनस में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का माइनस में होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक स्टेप कर लेते हैं हम लोग, अब इसे हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो अलग अलग कर सकते हैं। तो ये माइनस मिल के यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू में ए। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बुक का आंसर है वो मिल जाए, ऐसे आप हम लोग यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, यानी कि सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया था, तो साइन ए एक्स प्लस में बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस में डी इंटू में सी बटा में क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब कॉस सी एक्स प्लस डी या कॉस सी एक्स प्लस डी से एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच क्या आ जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस में बी इंटू में ए,
इसको आगे भी लिख सकते हैं, इनटू में हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, वन बटा में कॉस सी एक्स प्लस में डी, ये वन के बटा में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब प्लस हो गया, यहाँ तो कटेगा नहीं, तो साइन ए एक्स प्लस बी, अब बटा में इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि साइन सी एक्स प्लस डी, अब बटा में कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में वन बटा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू में सी। अब देखिए थोड़ा सा अब और करेंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। ये आगे में क्या था, आगे में यहाँ पर ए है जिसको आगे में लिख देते हैं, ए इंटू ए जो है जो रह जाएगा यानी कॉस ए एक्स प्लस में बी। अब इसको कॉस को क्या लिख सकते हैं, वन बटा कॉस है तो इसको सेक लिख सकते हैं, तो सेक सी एक्स प्लस में डी, प्लस है तो प्लस, ये साइन ए एक्स प्लस बी है जो बी रह जाएगा। अब साइन बटा कॉस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि साइन बटा कॉस टैन होता है, तो टैन सी एक्स प्लस डी इंटू में वन बटा कॉस क्या हो जाता है, सेक सी एक्स सेक, यहाँ पर सेक हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस में डी इंटू में सी है तो सी है हमारा। फाइनली फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया।